गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्या है ना गाइस, तो आज है आखिरी रोज़ा और रमज़ान, कल ईद है। और क्या कहते हैं कि मैंने जो है ईद की शॉपिंग भी नहीं डाली है, तो आज देखते हैं कहाँ कहाँ जाऊँगी। वैसे तो मैं शायद मेरी पूरी शॉपिंग हो ही गई है, तो मैंने कुछ क्लिप्स बनाई हैं, आप वो देख लो, क्योंकि मैंने ईद की शॉपिंग का ब्लॉग पूरा बनाया ही नहीं। कल भी शॉपिंग करने गई थी, बट क्या हो गया कि मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई, क्योंकि सब इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग की है, तो अगर बहुत जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग करी है ना, तो मैं कुछ ब्लॉग बना नहीं पाई। तो आज का देखते हैं क्या ब्लॉग रहता है। और आज मैंने ये वाला ड्रेस अपना पहना है जो मैंने फर्स्ट रमज़ान को पहना था। या गाइस, तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। और मैंने कुछ अपने व्लॉग में बोला था, रमज़ान वाले व्लॉग में, कि मैं कुछ अफ्तारी का दिखाऊंगी, बट क्या कहते हैं कि उसके बाद मैं लखनऊ चली गई और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा काम आ गया। मैंने बहुत काम किया ये पूरे रमज़ान में, फिर मेरी दो तीन बार तबीयत भी ख़राब हो गई, तो मैं कुछ भी कर नहीं पाई, बिकॉज़ क्या करें, इतना काम था, फिर तबीयत भी ख़राब हो गई, फिर लखनऊ भी मैं चली गई थी। और फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी कि करूँ, बट नहीं हो पाया, तो मैं अपने बर्ड्स वापस लेती हूँ। अभी हम आए हैं मम्मी का हेयर कलर करवाने, ये है पार्लर, और पार्लर करवा मैं बाद में बता दूँगी, है ना। तो अभी ना मम्मी कलर करवाएगी, तो ये मम्मी बैठी हुई है, तो हम यूज़ कर रहे हैं रॉयल पैलेस का मजीरिल कलर, और डेवलपर है 20 वॉल्यूम वाला। कैसे बता रही हूँ आपको, सर्दी भी पड़ी, चला तो मम्मी का कलर था, we'll be right back.
क्या कहते हैं कि जब मैं वहाँ से कलर करवा के आ गई, उसके बाद बहुत सारा काम नहीं किया मैंने, मम्मा ने किया। और उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे मार्केट, तो मैं दिखाऊंगी, शायद से हम विशाल मॉल जाएं। ओके, तो दिखाएंगे, अभी तो रोज़ा खोलने का टाइम होने वाला है। ईद का चांद दिख गया है और ये देखो किस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ईद का चांद ना आपको दिख बहुत ज़्यादा, इतना बहुत हल्का है, यहाँ पर है ये, यहाँ पर, और दिखेगा नहीं कैमरे में। और ऐसे पटाखे दिख रहे हैं, ऐसी खुशी हो रही है सब बेकार। तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक गाइस। अंधेरे में हूँ मैं, रुक जाओ। तो गाइज़ आपको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो या तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं मार्केट, बिकॉज मुझे कुछ सामान लेना और मुझे अपने हाथ की मेहंदी लगवानी है। तो या और देखते हैं। तो गाइज अभी जो है मैं सो के हट गई, और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने लगवाई थी कल रात में। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाली है, और मैं बहुत पहले उठ गई थी। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा करे लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक अच्छा अपना।